हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं टोयोटा की यारिस है, 2018 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। गाड़ी अभी चालू है, जैसा कि देख पा रहे हैं गाड़ी चालू है और आउटसाइड टेम्परेचर देख पा रहे हैं 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आज हम जानेंगे इसका कंट्रोल पैनल, ऑटोमेटिक जो कंट्रोल पैनल है इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो इस चीज़ के बारे में जानेंगे आज हम। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये ब्लोअर की स्पीड यानी फ़ैन की स्पीड है। ये वाला जो दिख रहा है ये फ़ैन की स्पीड है। आपको कितना में चाहिए एयर का फ्लो उस हिसाब से आप यहाँ सेट कर सकते हैं। और ये रही एसी का स्विच है, ये ऑन ऑफ करने का। एसी चालू चाहिए या बंद चाहिए, आपको गर्मी चाहिए या ठंडी चाहिए। उसके बाद रही ये आउटसाइड एयर का। आउटसाइड एयर आप कब यूज़ कर सकते हैं और कब यूज़ करने का रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आउटसाइड जब आप चालू किए ना तो ये अंदर का ही हवा अंदर आएगा, और जब इसको आप बंद करेंगे तो ये बाहर से हवा आने लगेगा अंदर, यानी बाहर की हवा अंदर एंट्री करेगा। एसी अगर आप चालू करके बाहर की हवा ले रहे हैं तो कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, यानी कूलिंग में इफ़ेक्ट होगा। कूलिंग में क्यों इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि बाहर की हवा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी आउटसाइड का टेम्परेचर जो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अंदर का एसी मैंने चालू रखा है और अंदर का टेम्परेचर है अभी 7.3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री पे आ गया अभी। तो बाहर की हवा जब इसमें मिक्स होगा ना तो कूलिंग को बैठा देगा, यानी कूलिंग होने नहीं देगा ज़्यादा, बहुत कम कूलिंग होने लगेगा। इस वजह से इसको बंद रखने का रहता है, यानी अंदर की ही हवा अंदर लेंगे। तो जब अंदर की हवा अंदर लेंगे तो आप अंदर 3 या 4 पैसेंजर अगर बैठे हैं और काफ़ी टाइम से एसी चालू रखे हैं तो धीरे धीरे ऑक्सीजन क्या होता है, कम होने लगता है। तो जैसे ऑक्सीजन कम होने लगता है तो आपका सर में दर्द वगैरह वगैरह घुटन जैसा महसूस होने लगता है। तो आप इसको कुछ देर के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, यानी बाहर की हवा लें, तो फिर ऑक्सीजन लेवल आ जाएगा, फिर आप इसको बंद कर दें तो आपका घुटन बंद हो जाएगा। उसके बाद ये रही फ्रंट डिफोगर का। फ्रंट डिफोगर का क्या है, ये कि जब बारिश का मौसम होती है ना, बारिश का मौसम होता है तो सामने की विंडशील्ड ग्लास जो देख रहे हैं ना, इसमें फॉग वगैरह जमने लगता है। तो जब फॉग वगैरह जमता है ना तो डायरेक्ट हवा जब ग्लास पे डाला जाता है ना तो सामने फॉग जमने नहीं देता है। फॉग तो दो तरीके का जमता है, एक अंदर साइड और एक बाहर साइड। तो जब बारिश होती है ना तो अंदर साइड फॉग जमने लगता है, और जब ठंडी की मौसम रहती है तो अंदर साइड बाहर साइड बनने लगता है, और जब गर्मी के मौसम में बारिश होती है तो बाहर साइड अंदर साइड बनने लगता है। तो उसको उस टाइम आप इसको चालू करेंगे तो सामने की ग्लास में फॉग निकाल देता है। और ये रही मोड बटन। आपको हवा कहाँ चाहिए, पैर पे चाहिए, सामने चाहिए, जहाँ चाहिए वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। और ये रियर डिफोर का सेम वैसा ही है जैसे फ्रंट का है। तो रियर में हीटर लगाया जाता है जो कि रियर की ग्लास में दो लाइनिंग, यानी लाइनिंग डॉट डॉट दिखेगा आपको, उसमें हीटर का नाइक्रोम वायर दिया हुआ रहता है जो कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट निकाला जाता है तो हीटिंग पैदा करता है। फॉग वगैरह अगर जमा हुआ रहता है तो वो बंद हो जाता है और ये पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं सब चल रहा है बराबर। और ये रही ऑटो। ऑटो का क्या सिस्टम रहता है, जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। डायरेक्ट अगर आप ऑटो में चालू कर रहे हैं ना तो देखिए फ़ैन की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, यानी ये इस हिसाब से मैं कम कर देता हूँ, इस हिसाब से ये सेट करता है कि अंदर कितना फास्ट कूलिंग करना है, अंदर कितने जन बैठे हैं और अंदर कितना फास्ट कूलिंग करना है ताकि गाड़ी जल्दी चिल्ड हो जाए, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। और ये रही हीटर का। तो मैं अब तक के लिए आपको कूलिंग टेम्परेचर दिखा देता हूँ, इसका कूलिंग टेम्परेचर कितना है, जैसा कि देख पा रहे हैं 6.1 पे आ चुका है कूलिंग टेम्परेचर। और बाकी अब मैं इसका हीटिंग टेम्परेचर आपको दिखा देता हूँ, हीटर हाई पे कर रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं हीटर हाई पे किया हूँ, और हीटर हाई पे करेंगे तो मोड बटन चेंज हो जाता है, यानी पैर पे आ जाता है। तो सामने रख लेता हूँ और देखता हूँ हीटिंग टेम्परेचर कितना तक पहुँच रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं, थोड़ी देर वीडियो होल्ड करता हूँ और देखता हूँ हीटिंग टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं 54 पे आ चुका है, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। तो हीटर अगर आप
चेक करना चाहते हैं ना कि आपका हीटर बराबर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो एसी चालू करके आउटसाइड का एयर बंद करके आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि गर्म हवा आ रही क्या नहीं। गर्म अगर हवा आ रही ना तो आपका हीटर सिस्टम, हीटिंग सिस्टम बराबर चल रहा है। अगर हीटर सिस्टम अगर बराबर नहीं चलेगा ना तो कूलिंग जैसा हवा आने लगेगा, क्योंकि हीटिंग कॉइल में कूलेंट का सर्कुलेशन अगर बराबर नहीं हो रहा है तो कूलिंग बहुत कम होने लगता है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया सभी सिस्टम प्रॉपर यूज़ करके। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो देख के आपको अगर कुछ भी समझ में आता हो ना तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ समझ में आ रहा है, तो मैं आगे और अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।